एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड कर दीजिए कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। If x and a are real numbers such that a is greater than 0 and mod x is greater than a, so ये बताना। ठीक है, तो then अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यूज क्या क्या होगी। x और a आपको कहा गया है कि रियल नंबर है, a क्या है, तो a पॉजिटिव नंबर है। और उसके बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और मोड x ग्रेटर देन 1 है, तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। क्लियर? यस सर। चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही इनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस 1 लेंगे। केस 1 में लेंगे x इज लेस देन 0, ठीक है सर। और केस 2 में लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो। अगर x लेस देन 0 है तो ये जो मोड x ग्रेटर देन a दिया हुआ है, ये मोड x ओपन होके माइनस x होगा या प्लस x होगा? सर माइनस x। तो माइनस x इज ग्रेटर देन a और यहां से बन जाएगा x इज लेस देन माइनस a। ठीक है सर। अब a क्या नंबर था? a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए। पहला जो पार्ट आया है, पहले केस का जो सॉल्यूशन आया है, उसको अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ए पॉजिटिव नंबर है, माइनस ए की बात करेंगे तो यहां पे कहीं पे आ जाएगा। यस सर। हमने कंसीडर किया था कि एक्स की जो वैल्यूज है वो लेस देन 0 है, मतलब इधर वाला पार्ट में कंसीडर किया था। जी सर। और सॉल्यूशन आया कि एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस 1 है। लेस देन माइनस 1 की जब बात करें तो ये वाली रीजन बनेगी या नहीं बनेगी? यस सर, यही बनेगी। तो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज लेस देन माइनस 1 ए, वो रीजन बता दो आप। ठीक है सर। अभी केस 2 निकालू ना? वो तो करेंगे, यहां से पहले फाइनल आंसर तो बता दो इस पार्ट का क्या बनेगा। सर माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए। यस, तो इस पार्ट में हमें मिल गया माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए। अब केस 2 में चलते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे तो ये प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ? सर प्लस के साथ। इसका मतलब ये आ गया x इज ग्रेटर देन a। अब नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे a ले लिया। पहला कहता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लो। फिर सेकेंड पार्ट में कहा गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, इसका मतलब ओवरऑल हम यहाँ से लिख सकते हैं a टू इन्फिनिटी। ठीक है सर। अब जब कंबाइंड करोगे आप जिया, तो आपका आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन a टू इन्फिनिटी। इस चीज को आप समझो और बताओ हमें कि ये सही है या गलत है। ये सर सही है। सही है। तो माइनस इन्फिनिटी से सॉरी यहाँ पे माइनस ए करो चीज और यूनियन a टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर, क्लियर है जी। ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन बनेगा? सर डी। डी। अब यहाँ पे इसको भी एक जनरलाइज करके लिखो, जिस तरह से अभी आया था आपके पास मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो इसमें आंसर बना माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफिनिटी। इसी तरह से अगर कहीं पे आ जाए मोड एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो आपका आंसर बनेगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू इनफिनिटी। सर पर हमने अभी इसी तरह का करा था, x is less than 5। यस सर, वो less than और greater than का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपका आंसर आया था माइनस 5 टू 5। जी सर।
और यहां पे कहता है माइनस फाइव से फाइव को छोड़ के सब वैल्यू ले लो। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को मैं क्लोज करूं।